खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आर्थिक तंगी से गुजर रही एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मुंबई में जेट के एक सीनियर टेक्नीशियन ने शनिवार दोपहर अपनी घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। जेट के कर्मचारी प्रधानमंत्री से अपनी कंपनी को बचाने की अपील कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह जेट संकट का सुसाइड सायरन है? आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि सब्जी नमक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। सब ठीक ठाक है, बस ये बात की है। फिर हम लोगों से पूछा कि आप उतर जाइए, बोले अब हमारा उतरने का कंडीशन नहीं है और हमारा आर्थिक तंगी ऐसा आ गया है, कंपनी बंद हो गया है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, खाली मेडिकल मिल रहा था अभी वो भी नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चे का पगार बंद हो गया, हमारे घर पर एक टाइम कैसे खाना बनेगा, वो भी कंडीशन ठीक नहीं है। ये जेट एयरवेज कर्मचारी की सुसाइड से ठीक पहले की तस्वीर है जिसमें वो अपने ही घर की छत पर बैठे हैं। शैलेश सिंह मुंबई के नजदीक पालघर के इसी घर में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन जेट एयरवेज का काम बंद होने की वजह से वो डिप्रेशन में आ गए, जिसका नतीजा खुदकुशी के रूप में सामने आया। टेरिस पे बैठे थे तो हम लोग को सूचना मिला, फिर हम लोग गए उनसे पुलिस लेके बात किए, बोले और सिंह साहब क्या हालचाल है, बोले बाबू सब ठीक ठाक है, बस ये बात किए। फिर हम लोग उनसे पूछा कि आप उतर जाइए, बोले अब हमारा उतरने का कंडीशन नहीं है और हमारा आर्थिक तंगी ऐसा आ गया है, कंपनी बंद हो गया है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, खाली मेडिकल मिल रहा था अभी वो भी नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चे का पगार बंद हो गया, हमारे घर पे एक टाइम कैसे खाना बनेगा, वो भी कंडीशन ठीक नहीं है। यही बोलने के बाद पुलिस वाले के सामने उन्होंने उड़ी मारा। आर्थिक तंगी के चलते जेट एयरवेज के 22,000 कर्मचारी सड़कों पर, सैलरी न मिलने से परेशान दिल्ली में जेट एयरवेज कर्मचारियों ने कैंडल मार्च भी निकाला, जो अपने साथी की सुसाइड से सदमे में। काफी दिक्कतें हो रही है, हमारे मकान किराए पे रहते हैं, उसको किराया नहीं दे रहे हैं, बच्चे सारे पढ़ने वाले हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई 9th 10th में है, उसमें सारी परेशानियां आ रही है, यहां तक कि घरेलू खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। सुसाइड करने वाले शैलेश सिंह जेट एयरवेज में सीनियर टेक्नीशियन थे, उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। खुदकुशी से एक दिन पहले ही वो अस्पताल से घर लौटे थे। उनका छोटा बेटा भी जेट एयरवेज में ही काम करता था, लेकिन उसे भी सैलरी नहीं मिल रही थी, जिससे परिवार के सामने बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया था। घर के लिए कुछ कर्जा लिया था, वो देना बाकी था और अभी थोड़ा पैसे का कमतरता होने की वजह से भी वो टेंशन में थे। उसी टेंशन में बिल्डिंग के छत के ऊपर चौथे मंजिले पे चढ़ गए, पुलिस फायर ब्रिगेड सब आए, तब तक उन्होंने वहाँ से बाजू के गटर में जंप लगा दी, उन्हें वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, तब तक डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर किया। जेट एयरवेज आर्थिक संकट के बाद ये पहला मौका है जब उसके किसी कर्मचारी ने खुदकुशी की हो। शैलेश सिंह के पड़ोसी का कहना है कि मरने से पहले आर्थिक तंगी को लेकर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई थी। अब आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि सब्जी नमक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने मरने के एक दो घंटे चार घंटे पहले हमसे सारी स्थिति बयान की है, यहीं बैठ करके इसी जगह पर। अब उसके बाद उनका मृत्यु हो गया। पुलिस के अनुसार शैलेश को 3 साल से कैंसर था, जिसके इलाज पर काफी पैसा भी खर्च हो रहा था। बेटे की सैलरी न मिलने से वो तनाव में थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपने ही घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। लोन माफ होना चाहिए, हाउसिंग लोन उनका बिल्कुल माफ होना चाहिए, हमारी सारी सोसाइटी का समर्थन है। कुछ भी हालत में वो लोन नहीं भर सकते हैं, घर से बेघर हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं है, बच्चों की भी नौकरी नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि हालात इतने खराब हो गए थे कि शैलेश घर का मेंटेनेंस भी भर नहीं पा रहे थे। घर में कितने सदस्य थे और अभी वो लोग कहाँ पे हैं? देखिए, उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके दो बेटे दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वो लखनऊ रहती हैं। और अभी फिलहाल तो वह सुबह की
ट्रेन से वो लोग गांव जा चुके हैं उनके आगे के अंतिम कार्यक्रम और सब करने के लिए, तो अभी उनके घर पे यहाँ कोई नहीं है। किसी तरह से बात, अभी जब से ये जेट एयरवेज बंद हुई थी 17 तारीख से जो है, उन्होंने आप लोगों से कुछ शेयर किया था, कुछ बातें शेयर की थी? देखिए एक दिन पहले की बात है, ज्यादा पहले एक या दो दिन पहले की बात है इसके, कि वो यही बोल रहे थे कि थोड़ा सा डिप्रेस लग रहे थे, कि वो ये कह रहे थे कि मेरे घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है फिलहाल। काफी दिनों से उनका सोसाइटी का मेंटेनेंस बाकी था, तो उनका ये भी कहना रिक्वेस्ट था कि वो मेंटेनेंस माफ कर दिया जाए उनका, ताकि उनका जो लड़का कमा रहा था उसकी भी जॉब नहीं है। एक्चुअली 3-4 महीने से सैलरी भी नहीं है और फिलहाल अब जॉब पे भी नहीं है जो जेट एयरवेज पे था, तो ये चीज उनको इम्पेक्ट करी है। किस फ्लोर से उन्होंने छलांग लगाई थी? ये जो चौथे माले के ये जो बाहर जो निकला हुआ है उसके ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई थी। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ देयर आर फ्यू मोर केसेस दैट कम अप, यू नो। सो दिस इज समथिंग, इट इज एन अपील अगेन टू द गवर्नमेंट टू step in and to make sure that these things don't happen. Jet Airways के जमीन पर आने के बाद उसके कर्मचारी दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। सैलरी न मिलने से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जेट के सैकड़ों कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। ये जेट एयरवेज में काम करने वाली पूजा है, जो समझ नहीं पा रही कि बिना सैलरी के वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। सर 2 महीने से ज्यादा हो गए, सैलरी नहीं आई है, मेड को मना कर दिया है मत आना, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। कितनी दिक्कतें बताएं, ईएमआई है, यहाँ पे जितने सब हैं सबकी ईएमआई है। बच्चे को स्कूल में डालना था, समझ में नहीं आ रहा है कौन से स्कूल में अब डालूं, पैसे इतने यहाँ लगते हैं स्कूल में। जेट एयरवेज में कुल 22,269 कर्मचारी काम करते हैं, 16,000 कर्मचारी नियमित और 6,329 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, यानी नौकरी पर आए संकट का असर कुल 1,00,000 परिजनों पर पड़ रहा है। मुश्किल में फंसे जेट कर्मचारियों को भरोसा है कि उन्हें इस हालत से सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वापस लेके आनी है 9W जेट एयरवेज, ये हमारी विनती है श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उन्होंने एक्चुअली बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं पुलवामा अटैक एंड POK एक्चुअली, तो उनसे यही निवेदन है कि मतलब वो जेट एयरवेज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और जेट एयरवेज को वापस लेके आए स्काइज पे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हम भरोसा करते हैं और वो कर सकते हैं एक्चुअली। आगे बढ़ने से पहले जेट कर्मचारियों की इस हालत की वजह भी जान लीजिए। जेट एयरवेज पर 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। SBI सरकारी संस्था NIIF के पास जेट एयरवेज के 50% से ज्यादा शेयर है। आरोप है कि जब जेट एयरवेज डूब रही थी तब SBI ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। आर्थिक संकट बढ़ने पर भी SBI ने इमरजेंसी फंड नहीं डाला, जिससे अब सरकारी बैंक के 8,500 करोड़ रुपए दांव लग गए हैं, जिसका खामियाजा जेट कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। बैंक ही नहीं, कुछ जेट एयरवेज कर्मचारी तो सरकार से भी नाराज दिखते हैं, जिनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर कुछ नहीं कर रही। बहुत सारी है, पर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि देश की इतनी बड़ी एयरलाइंस आज बंद होने के कगार पर है, उसके सारे एम्प्लॉय जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, पर उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार को फुर्सत नहीं है अभी जेट एयरवेज के लोगों की बातें सुनने को। हम क्या चाहती है सरकार, कि हम आत्महत्या कर लें सारे के सारे लोग? लोग कर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या चाहते हैं कि किंगफिशर के जो लोग आत्महत्या कर रहे थे उसी पैटर्न पे हम भी जेट एयरवेज के लोग भी चलें? क्या चाहती है सरकार की 22,000 के 22,000 कर्मचारी आत्महत्या कर ले सारे के सारे? सर पिछले कितने सालों से आप जुड़े हैं यहाँ पर? 15 सालों से जुड़ा हुआ मैं जेट एयरवेज से, और लोग 25-26 साल से जुड़े हुए हैं। सारे लोगों की EMI चल रही है, बच्चों की फी नहीं जा पा रही है, मगर सरकार को इसकी फुर्सत नहीं है। सारे के सारे लोग इलेक्शन में लगे पड़े हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, न हमारे बेटे की बच्चों की फीस जा पा रही है, न मकान की EMI जा पा रही है। सारे खर्चे आप भी समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में रुक करके एक जो हमारा एक स्टेटस सिंबल बना हो, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हर प्रकार की प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यहाँ से जहाज स्पाइस जेट में जेट एयरवेज से जहाज स्पाइस जेट में दे रहे हैं, ये डायरेक्ट 2200 करोड़ का घोटाला है। हम यही कर सकते हैं, बट आपको मैं ये बता रहा हूँ, हम वो घर वाले हैं जो अपने घर को सामने जलते हुए देख रहे हैं। हम वो घर वाले हैं, हमारे एयरक्राफ्ट को विदाउट पेंट किए हुए उड़ाया जा रहा है स्पाइस के नाम पे, हमारे सेक्टर्स पे। आप ये सोचिए, जो पैसा हमें आना चाहिए, जो रेवेन्यू हमें आना चाहिए, वो कहाँ जा रहा है?
और फेसबुक पे अजय सिंह बार 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 ये ट्वीट करते हैं या ये हमें बस मरहम लगा रहे हैं हमारे पे। हमारे लिए ना नौकरी उन्होंने किसी को दिया है, किसी को नहीं, किसी को वो खाली अनाउंस कर रहे हैं। अगर आप ये जानना और इवन इनफेक्ट हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है, इंडिगो इंडिगो विस्तारा ने भी कंप्लेन की है कि इलीगली उनको स्लॉट बांटे जा रहे हैं, उनको फेवर दिया जा रहा है। ये फेवर किस लिए दिया जा रहा है? हमारा घर जलाने के लिए। चुनाव के वक्त 1 लाख लोगों की परेशानी में विपक्ष को मौका दिख रहा है, लिहाजा कांग्रेस इसे मोदी सरकार की नाकामी बता रही है। इसमें घोटाला भी है और इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, क्योंकि उसकी वैल्यू को जो कीमत है जेट एयरवेज की, उसको बिल्कुल खत्म करके और कौड़ियों के दाम उसको दे दिया जाएगा। और जहां लेंडर्स को कोई 1000 करोड़ रुपया डालना था बैंक्स को, वो 80% जो पूरा कर्जा है उस पे अब उसको माफ करने को तैयार है, हेयर कट जिसको कहते हैं। तो इसकी ये तो ऐसा गंभीर विषय है जिसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जेट एयरवेज को जितना सहयोग मिल सकता है और उनके जो नए शेयर होल्डर्स आ सकते हैं उसकी तो प्रक्रिया चल ही रही है। साथ साथ जो जेट एयरवेज के प्लेन्स हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं, अगर उनको और भी अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर मिलते हैं तो उसको भी हम लोग प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले किंगफिशर और अब जेट एयरवेज, एक के बाद एक एयरलाइंस कंपनियों का जमीन पर आना सिस्टम की बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे ठीक करना आने वाली सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।